सालों से आईपीएल में बैटिंग का खेल चल रहा है, अब शहर में युवाओं का शिकार कर घर बर्बाद कर रहा है। अभी हाल ही में ताजा मामला फिजिकल थाना अंतर्गत एवं करेरा थाना अंतर्गत देखने में आया है, जिधर थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाने वालों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें फिर से युवाओं का शिकार करने के लिए छोड़ दिया है। अब एक ऐसा ही मामला फिर एक बार चर्चित है, लेकिन अब इस मामले में डंडा बैंक और पत्रकार की साठगांठ आईपीएल खिलाने वालों के साथ सुनने को मिल रही है। पूरा मामला शिवपुरी के दर्पण कॉलोनी निवासी अभिषेक गोस्वामी से जुड़ा हुआ है, जिधर आज विशाल की मां ने इस गिरोह से परेशान होकर आवेदन जिला पुलिस अधीक्षक एवं महिला थाना को दिया है। महिला थाना और जिला पुलिस मुख्यालय के सामने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विशाल गोस्वामी की मां निशा गोस्वामी ने बताया कि उनका पुत्र एचडीएफसी बैंक में कार्यरत था, जिधर उसकी मुलाकात अंकित व्यास से हुई थी। अंकित व्यास से मुलाकात होते ही वह शिवा धाकड़ की संगति में आ गया, जिधर शहर के कई घरों को ये लोग आईपीएल खिलाकर मोटा ब्याज वसूल रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ऑफिस क्यों आए? हमें इसलिए आए आवेदन देने के लिए कि मेरा मकान जो डंडा बैंक वाले प्रेशर दे रहे हैं कि खाली करो। डंडा बैंक में कौन कौन? रश्मि सैन, दीपक जैन, अंकित व्यास, शिवा धाकड़ और विजय विजय पत्रकार शामिल है इसमें। पत्रकार भी इसमें शामिल है? पत्रकार भी शामिल है। जो भी हमको शामिल दे रहे, मेरे को भी धोती है। अगर तुम्हारा मैटर तो बाद में देखो, मेरे से विजय बोला तो ये तो बाद में बताऊँ। और एक मामला ये भी आ रहा था कि शायद आईपीएल से भी संबंधित कुछ मामला। तो किस तरीके से आपका मकान कब्जा किया? मुझे पता नहीं, इसको बेटा को बुला के ब्याज पे पैसे दिया गया, चेक लेता गया। अब बच्चा 15,000 रुपए ब्याज महीने का दे रहा था, नहीं दे पाया बच्चा, तो उसने चेक लेने के बाद बच्चे रजिस्ट्री केक के बहाने घर पे बुला के रजिस्ट्री में स्टाम्प पे अपने जाने कहाँ से साइन करा, किस तरीके साइन करा लिए, क्या किया, कुछ जानकारी। क्या नाम है बच्चे का? अभिषेक गोस्वामी। कहाँ है वो अभी? अभी 3 महीने से बाहर है, पता ही नहीं है उसको। 25 दिसंबर से और अमरापुर करने जा रहे थे। दीपक जैन ने कह के तुम अभी कुछ मत करो, वो बच्चा आ जाएगा, कोई बात नहीं। और इस तरीके से फिर हमारे साथ घात कर दिया और रजिस्ट्री के लिए बच्चे को भगवा भूल के और रजिस्ट्री हड़पना चाह रहा। इसमें रश्मि सैन कौन है? रश्मि सैन तलाकशुदा है। दोनों दीपक जैन भी तलाकशुदा है, इनके नाजायज संबंध है दोनों। तो फिर ये आपके बच्चे के कांटेक्ट में कैसे क्या आए? ये दीपक जैन के कांटेक्ट से आए। 10 साल दीपक जैन के कांटेक्ट, दीपक जैन 5 साल से ब्याज ले रहे हैं बच्चे, 5-6 साल। रश्मि सैन उसके कांटेक्ट के जरिए आई है, दीपक जैन के जरिए। तो ये जो रजिस्ट्री हुई है तो वो कहाँ पे हुई है, घर वगैरह में कहाँ क्या हुआ? जी, अब घर वगैरह में हुई है, बेटा को वीडियो बना के वायरल धमकी देने के लिए, इसलिए। किस प्रकार की वीडियो थी? असली वीडियो बनाई है, लोन पे वीडियो हो गई, नंगे बस तो उतार के कपड़े उतार के उसको मारा पीटा, फिर उसने स्टाम्प पे साइन कर दिए। किन किन ने बनाई है वीडियो? जी, दीपक जैन, अंकित व्यास, विजय बिंदास। विजय बिंदास पत्रकार ने बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।